अभी इसका मैंने ये टॉर्च खोल दिया मोबाइल का, तो अभी काफी अच्छा उजाला दिख रहा है, इससे पहले अंधेरा अंधेरा सा और दिख रहा। तो रेडी हो चुका है मेरे अरबी के पत्तों का स्नैक्स, तो ये बन चुका है। आंटी यहाँ देखिए, नीरू दीदी यहाँ आपके करेले निकालने की कोशिश कर रही है, देख रही हूँ चम्मा, और ये देखिए सामने इतने सारे करेले लगे हुए, जूम करके देख, वो देख। ये बड़ो लांटी लोगों के यहाँ पे कद्दू भी लग रहे हैं, और ये लोग दिल्ली चले गए हैं, यहाँ पे बहुत सारी सब्जी लग रही है इनकी, सब खराब और पूरे खराब। और ये दीदी को जलन हो रही है, डेली देखती है अपने घर से करेले देखे, और अभी बारिश लग चुकी है। चलो भाई, चलो घर चलते हैं। बारिश आ गई, बारिश आ गई। ये देखो इसको भी ले आए हमने, रोंदू को ब्लॉग में ले आए हम, रोंदू को ये देखिए। अब बताओ ये पहली बार आई मेरे ब्लॉग में है ना? आना चाह रही हो तो बार बार जरूर जा रही है। हाँ आना चाहते हो? देखो बार बार देखो, ये देखो, देखो। और ये इसका भाई है, दोनों जुड़वा है, लाओ ना दोनों जुड़वाओं को। ये दोनों जुड़वा है, ये देखो। बड़ा कौन है भैया? ये बड़ा है, ये छोटी है, और ये बड़ी दीदी है इनकी। हम दो हमारे तीन है ना? ले आजा आजा। और ये इनके पॉप है और ये मॉम है, सब्सक्राइबर है। और भैया को बहुत ज्यादा वो होता है कि वीडियो कब आएगी, तो अभी पूछ रहे हैं भैया। और फैमिली तो पूरी उधर भाग गई इनकी, ये है। और भैया भी कहाँ जॉब कर रहे? अभी बिजनेस स्टार्ट करना है। हाँ अच्छा, और अंदर ले जाती हूँ। और फोन में, और अंदर है देखो, ये मॉम बैठी हुई आंटी जी, करो करो फोन पे बात करो। हाँ तो ये हमारे पड़ोसी हैं, और ये देखो इनकी अशोक वाटिका, ये देखिए पूरे झाड़ी झाड़ कर रखा है पूरा, बेल कद्दू की बेल है और करेला, ज्यादातर कॉलोनी में कद्दू और करेला की बेल लगा रखी। और ये परी देखो अपनी भाई बहनों के साथ घूम रही है, तो मजा आ रहा बारिश में घूम के। और हमारे देखो कॉलोनी में कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। नमस्ते दोस्तों, गुड इवनिंग, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है 4:15 बजे से, और शाम तो हो ही गया 4:15 बज गए, और अभी वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ मैं। और आज मौसम अभी शाम को अच्छा हो गया है, सुबह में बिल्कुल ही बारिश हो रही थी, रात भर पूरी बारिश हो रही थी। तो अभी ये पीछे देखिए मेरे पीछे मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा है, धूप लग गई अभी, और पूरे दिन भर पूरा मौसम कोहरा लगा हुआ था और थोड़ा थोड़ा बारिश हो रही थी। और अभी तो दिन का खाना हो चुका है, और मेरे पास काफ़ी टाइम से मम्मी के घर से अरबी के पत्ते आ रखे थे, तो ऐसे ही फ्रिज में रखा हुआ था, तो काफ़ी दिन के बाद तो फिर वो ख़राब हो जाते। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ अरबी के पत्तों के नाम से, तो पता ही चल गया अरबी के पत्ते क्या क्या बनते हैं। तो अरबी के पत्तों का स्नैक्स बना रही हूँ मैं, जो कि बरसात के टाइम पे काफ़ी बनाया जाता है पहाड़ी इलाकों में। वैसे तो ऑलमोस्ट सभी जगह बनाया जाता होगा, लेकिन पहाड़ी इलाकों में बरसात के टाइम पे ये अरबी के पत्तों का पतोड़ बनाया जाता है। तो अभी मैं अरबी के पतोड़ बनाती हूँ स्नैक्स के लिए। तो जो ये अरबी के पत्तों का जो पतोड़ या स्नैक्स जो भी बोलें, तो ये मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ मेरी इतने टाइम से, और ये मम्मी वो बनाते थे, पर लेकिन मैंने सोचा आज मैं भी ट्राई करती इसको बनाने के लिए। मैंने यूट्यूब में भी देखा है थोड़ा बहुत कैसे बनाते हैं, तो मैं ट्राई करती हूँ, फर्स्ट टाइम बना रही हूँ तो कैसा बनता है। और अभी मैंने इसको बनाने के लिए पहले पानी रख दिया एक बर्तन में, तो ये है इसमें मैंने पानी रख दिया, और ये मिट्टी का बर्तन है, तो इसमें अच्छी तरह से पानी बॉयल हो चुका है, तो इसमें बनाऊंगी। और जो अंदर रखा हुआ मेरे आटे की छन्नी है, स्टील की है, मेरे पे स्टीमर नहीं था, तो इसी में बनाऊंगी मैं। तो इसको थोड़ा छोटा रैप करूंगी पत्तों को, काफ़ी बड़े पत्ते हैं,
तो ये है 4-5 पत्ते हैं, तो इनकी बनाऊंगी मैं स्नैक्स। और ये बेसन घोल दिया मैंने, जो बेसन का लेप लगता है इस पर। और दोस्तों ये पत्ते के ऊपर ये डंठल सी है, इसको कट कर लेना है पहले, ये ऐसे करके निकालना है। और इसमें जो ये लाइन है इसको भी निकाल देना है। ऐसे करके निकालना है इसको, ज़्यादा डीप नहीं कट करना है, नहीं तो पत्ता फट जाएगा। देखो नीचे के पत्ते से फट गया ये। और फिर उसके बाद इन पत्तों को थोड़ा ऐसे क्लीन कर देना, क्योंकि मुड़ने में आसानी हो जाएगी। तो इसको थोड़ा थोड़ा हमें किसी भारी चीज से इसको फ्लैट करना है। अब इस पत्तों पे हमें बेसन अप्लाई करना है। और ये पत्ते जो है काफी बड़े हैं पत्ते, और पत्तों को मैंने पहले ही वॉश कर दिया था, और वॉश करके इसको अच्छी तरह से क्लीन कर दिया था, सुखा दिया था कपड़े से, सूखे कपड़े से। और मैंने इसको स्टीम करने के लिए रख दिया है अरबी के पत्तों को, और ये ढक्कन थोड़ा छोटा पड़ रहा था तो इसके ऊपर मैंने कढ़ाई रख दिया है, तो अच्छी तरह से वो स्टीम हो जाएगा। तो अभी देखते हैं कितने देर में होता है, फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। और ये बनके मेरा रेडी हो चुका है, और इसको अभी मैं कट करती हूँ। और ये साइज़ बड़ा हो गया है, वैसे छोटे साइज में बनाए थे पर मैंने बड़े साइज में बना दिया। इसको कट करके पीस करती हूँ। और ये मैंने पूरा कट कर दिया है ऐसे करके, तो इसको हम सुबह में नाश्ते में या शाम के टाइम पे खा सकते हैं। और इसको एक हफ्ते के लिए फ्रिज में रख के इसको स्टोर करके रख सकते हैं। तो अभी इसका मैंने ये टॉर्च खोल दिया मोबाइल का, तो अभी काफ़ी अच्छा उजाला दिख रहा है, इससे पहले अंधेरा अंधेरा सा और दिख रहा था। और यहाँ पे बल्ब भी है बड़ा, पर यहाँ पे थोड़ा अच्छे ढंग से वीडियो नहीं बन पाते, अंधेरा अंधेरा सा आता है। और अभी इसकी मैंने टॉर्च खोल के रख दिया, और ये बर्तन रख दिया है, और इसमें हल्का ऑयल, वैसे डीप फ्राई भी करते हैं लोग, और जैसे जिसको पसंद है, मैं हल्का ऑयल में ही फ्राई कर रही हूँ, इसको सेक रही हूँ। तो इसमें ऑयल लगा दिया है मैंने, ज़्यादा ऑयल नहीं लगा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा ऑयल। और अभी इसमें थोड़ा सा राई डालूँगी और तिल, और ये राई डाल दिया इसमें, थोड़ा सा तिल के दाने डाल दिए हैं, और ये तिल पूरा इधर फैल गया है गैस में, पूरे गैस में तिल और राई के दाने फैल गए इस, ये क्योंकि बर्तन ज़्यादा ऊंचा नहीं है तो इसमें पूरा बाहर निकल गया है। और हल्का हल्का इसमें ऑयल लगाएंगे, इसको सेकेंगे हल्का हल्का।
तो रेडी हो चुका है मेरे अरबी के पत्तों का स्नैक्स। तो ये बन चुका है,